हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ नोट्स मैंने तैयार करे हैं तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। कुछ पॉइंट्स मैंने जो हैं वो इंपॉर्टेंट वगैरह वाले सेलेक्ट करें। ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट। चार्ल्स बैबेज इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। एडा लवलेस हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। अबेकस, दिस इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस मेड ऑफ बीट्स स्टंग ऑन रोड्स इन अ फ्रेम। द रॉड्स करस्पॉन्ड टू पोजिशंस ऑफ द डिजिट्स वाइल द बीट्स करस्पॉन्ड टू डिजिट्स। देन नेपियर्स बोन, दिस वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन नेपियर्स। दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉड्स विद अप्रोप्रिएट मार्किंग्स ऑन देम। इट इज़ अ मैकेनिकल एड टू कंप्यूटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 9 सच रॉड्स कॉल्ड बोन्स विद वन फॉर ईच डिजिट 1 through 9। ही ऑल्सो invented logarithms which made possible to do divisions and multiplication by performing addition and subtraction. Then Pascal mechanical calculator, Blaise Pascal 1623 से 1664। ठीक है, उस दौरान रहा। हाँ, Blaise Pascal in 1642 invented the first adding machine called Pascal in the brass rectangular box used 8 movable dials to add and sum up of 8 figures long using base 10. It can perform all the 4 arithmetic operation with previous unheard speed. Then Leibniz mechanical multiplier 1600 में। In 1694 Gottfried Wilhelm von Leibniz improved upon the Pascaline by creating a machine that can also multiply using system of dials and gear. Okay. Next is punched cards machine, जैकवाट्स लूम ने करी 1801 में। ठीक है, हाँ, डेवलप्ड बाय जोसेफ मैरी जैकवाट। ठीक है, पंच कार्ड मशीन जैकवाट्स लूम 1801 डेवलप बाय जोसेफ मैरी जैकवाट। देन मैकेनिकल कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही कंसेप्चुलाइज्ड एंड इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन द अर्ली 19th century। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज हुई। ठीक है, द यूनिवैक एंड एनियाक आर कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस, एनियाक और यूनिवैक। देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर्स यूज हुए इसमें। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच्ड कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट्स फॉर आउटपुट। दीज वर आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर्स that stored their instructions in their memory which moved from magnetic drum to magnetic core technology. ठीक है, सेकंड वाले। देन थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक रहे, इंटेग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज हुए। हाँ, ट्रांजिस्टर्स वर मिनीचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स विच ड्रेस्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशेंसी ऑफ कंप्यूटर्स। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स, यूजर्स इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम विद अ सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, फोर्थ वाले में। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस्ड द मैकिंटोश। एज दी स्मॉल कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज। ठीक है, फोर्थ वाले। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज स्टिल इन डेवलपमेंट फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन इज बीइंग यूज्ड टुडे। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स आर हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली change the face of computers in years to come. The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. Next,
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर्स हार्डवेयर आर मॉनिटर, स्पीकर्स, माउस, सीडी रोम, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, ठीक है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आ गई विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लिनक्स, यूनिक्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ गया एमएस वर्ड, फोटोशॉप, पिकासा, एमएक्स प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस, डिस्क रिपेयर्स, क्लीनर्स, डिस्क मैनेजर्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। पहला आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले इज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो। देर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज फॉर द डिस्प्ले यूनिट, कैथोड रे ट्यूब, CRT आर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD आर इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन्स, आर द प्रोजेक्टर। द मॉनिटर आर स्क्रीन डिस्प्लेज योर वर्क। मॉनिटर्स कम इन डिफरेंट साइजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज ऑफ द मॉनिटर इज मेजर डायगनली ऑन द स्क्रीन इन इंचिस। बेस्ड ऑन दिस द मॉनिटर्स रेंज इन साइजेस ऑफ 12 इंच, 14, 15, 17, 19, 21, 29, ठीक है, इंचज में। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंसोल आर, कंप्यूटर कंसोल आर सिस्टम बॉक्स, ठीक है। सिस्टम बॉक्स जिसे कंप्यूटर कंसोल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इन साइड आर मतलब कि इसी सिस्टम बॉक्स के या कंप्यूटर कंसोल के, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन साइड आर द CPU, प्रोसेसर, द मदरबोर्ड, द हार्ड डिस्क, एनी नेटवर्क आर साउंड कार्ड, देन मेमोरी चिप्स, रैम, प्रिंटर पोर्ट्स एट द बैक, एंड ड्राइव बेस फॉर फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और सी डिस्क, ठीक है। किसमें, कंप्यूटर सिस्टम बॉक्स में, ठीक है। आउटसाइड द केसिंग्स आर द पावर बटन्स ऑन ऑफ एंड रीस्टार्ट विद सम एडिशनल फैसिलिटीज लाइक केसिंग, USB पोर्ट्स, वेब कैम्स एट्सेट्रा, ठीक है। हाँ, सिस्टम बॉक्स की बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड डेवलप्ड बाय क्रिस्टोफर शोल्स, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टोफर शोल्स ने कीबोर्ड डेवलप करा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एंड कंसिस्ट ऑफ 101 कीज, 101 कीज हैं कीबोर्ड में, ठीक है। कैरेक्टर कीज कंप्राइज ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। दे आर यूज टू इंसर्ट आर डिस्प्ले रीडेबल कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन विच इज इक्विवेलेंट टू द की स्ट्रोक प्रेस्ड। देन एक्शन कीज आर नॉट यूज टू टाइप एनीथिंग, इंस्टेड दे कॉज एन एक्शन। Escape, Tab, Caps Lock, Shift, Control, Alt, Backspace, Enter, Windows, Win Menu, Print Screen, Scroll Lock, Pause Break, Number Lock, Insert, Home Page, Up, Delete, and Page Down, Power, Sleep, Wake Up, Up Arrow, Left Arrow, Right Arrow, Down Arrow, and Space Bar, ठीक है। ये एक्शन कीज़ वगैरह का पढ़ा। देन एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। दे आर F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ठीक है। एप्लीकेशन डिपेंडेंट कीज एंड फंक्शन कीज। देन मोस, मोस इज डेवलप्ड बाय डोगलास एंजेलबॉट, इंपॉर्टेंट है। डोगलास एंजेलबॉट ने मोस करा था और कीबोर्ड करा था क्रिस्टोफर शोल्स ने। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स अदर components through the use of traces or electrical pathways. Personal computers normally have one central processing unit on the motherboard. Next is central processing unit, CPU. CPU consists of ALU and CU, CU control unit, ठीक है, and a single chip or series of chips that performs arithmetic and logical calculations. Most CPU chips are composed of four functional sections. First, ALU, ठीक है। हाँ, इट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग एबिलिटी आइदर अरिथमेटिकल आर लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, इस ALU में। देन रजिस्टर्स, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज दैट होल्ड डेटा, कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड होल्ड द लोकेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ दीज ऑपरेशंस, रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल सेक्शन, टाइम्स एंड रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम बाई यूजिंग इट्स इंस्ट्रक्शन डिकोडर। Then internal bus, network of communication lines that connect the internal elements of the processor and also leads to external connectors that links the processor to the other component of the other element of the computer. Next is storage devices. Storage devices provide permanent storage of information and programs for retrieval by the computer. The two main types of storage devices are disk drives and memory.
Next is memory. Bit is the smallest unit of memory. Bit is a single element in the computer memory that can store either 1 or 0. Okay, bit. Word is 1 byte, 2 byte or 4 byte depending on the machine. Generally, computer word length is given in bits. Hence, we have 8-bit, 18-bit or 32-bit microprocessor computer. Then memory conversion. Okay? 1 byte is equal to 8 bits. 1 KB is equal to 1024 bytes. 1 MB 1024 KB के बराबर, 1 GB 1024 MB के बराबर और 1 TB 1024 GB के बराबर होते हैं। Next is storage devices. Storage devices, ठीक है ना? There are several types of disk drives, ठीक है? इसमें hard disk drive, floppy disk, magneto, optical and compact disk. Hard disk drive store information in magnetic particles embedded in a disk. Usually a permanent part of the computer, hard disk drives can store large amount of information and retrieve that information very quickly. The disks are of different sizes such as 1G, 10G, 40G, etc. Okay? Then उसके बाद आ गया floppy disk drives also store information in magnetic particles embedded in removable disk. Floppy disks store less information than a hard disk drive and retrieve the information at a much slower rate. It is a type of two type. It is यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, हाँ, it is of two type, 51x4 floppy disk and 31x2 floppy disk. ठीक है, हाँ. Next is मैग्नीटो ऑप्टिकल डिस्क. मैग्नीटो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन रिमूवेबल डिस्क दैट आर सेंसिटिव टू बोथ लेजर लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. दे कैन टिपिकली स्टोर एज मच इंफॉर्मेशन एज हार्ड डिस्क बट दे हैव स्लाइटली स्लो रिट्रीवल स्पीड्स. नेक्स्ट इज कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन पिट्स बर्नड ऑन टू द surface of a disk of reflective material such as CD-ROMs can store about as much information as a hard drive but have a slower rate of information retrieval. ठीक है, CD-ROMs में retrieval बहुत slow है. Next is digital video disk. ठीक है, DVD होता है, digital video disk. This is similar and works like a CD-ROM but can store more than 15 times as much information. ठीक है, DVD, digital video disk. Next is flash drives. Flash drives work as floppy disk but more sensitive as a hard disk that must be ejected logically before final removal from the computer system. It has more memory than floppy disk. Next is memory cards. ठीक है, memory cards work as flash drive but with an additional device called the card reader. This is very sensitive and more durable than the flash drives. Next is types of memory. ठीक है, types of memory में पहला आ गया रेंडम एक्सेस मेमोरी रैम. इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट द कंप्यूटर्स प्रोग्राम. टिपिकली प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोरेज ऑन अ डिस्क ड्राइव टू रैम. रैम इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है, नेक्स्ट इज रोम, रीड ऑनली मेमोरी. रोम रोम कंटेन्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर दैट मस्ट बी परमानेंटली अवेलेबल for a computer operation such as the operating system that directs the computer's actions from start to the shutdown. ROM is also called non-volatile memory. ठीक है, next is hardware connections. ठीक है, hardware connections. ठीक है, हाँ, hardware connections. A serial connection is a wire or set of wires used to transfer information from the CPU to an external device.
such as a mouse. This type of connection transfer transfers only one piece of data at a time and is therefore slow. सीरियल वाला, ठीक है, जो सीरीज में था. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीरियल कनेक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव कनेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन. अ पैरेलल कनेक्शन यूजेस मल्टीपल सेट्स ऑफ वायर्स टू ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली. हाँ, मोस्ट स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स यूज दिस पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, अ पैरेलल कनेक्शन इज मच फास्टर देन अ सीरियल कनेक्शन बट इट इज़ लिमिटेड टू डिस्टेंसेज ऑफ लेस देन 3 मीटर, 10 फुट या 3 मीटर से ज़्यादा नहीं. ठीक है, बिटवीन CPU एंड एक्सटर्नल डिवाइस. ठीक है, पैरेलल प्रोसेस कनेक्शन. हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज. ठीक है, इनपुट डिवाइसेज ये तो आपको पता ही है, जिससे हम कंप्यूटर में मतलब कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं. ठीक है ना, इनपुट डिवाइसेज आर एक्सटर्नल डिवाइसेज आर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स. ठीक है, इनपुट डिवाइसेज में आ गया लाइट पैन, माउस, की जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ठीक है ना, ऑप्टिकल स्कैनर वगैरह, माइक्रोफोन, मॉडम. ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनपुट हैं. अच्छा, ऑप्टिकल स्कैनर क्या है कि द मोस्ट कॉमन स्कैनर टाइप्स आर फ्लैट बेड स्कैनर विच इज सिमिलर टू एन ऑफिस फोटो कापियर एंड द हैंड हेल्ड स्कैनर. ठीक है, दो टाइप्स हैं ऑप्टिकल के. हाँ, हैंड हेल्ड स्कैनर विच इज़ पास्ड मैनुअली अक्रॉस द इमेज टू बी प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन. ठीक है, माइक्रोफोन दिस इज़ अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग साउंड इनटू सिग्नल्स दैट कैन देन बी स्टोर्ड मैनिपुलेटेड एंड प्लेड बैक बाय द कंप्यूटर. A voice recognition module is a device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process. Next is modem. ठीक है, modem stand for modulator demodulator. It is a device that connects a computer to a telephone line or a cable television network and allows information to be transmitted to or received from another computer. Each computer that sends or receives information must be connected to a modem. ठीक है, हाँ, तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गई. अब आ गया आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस. हाँ, आउटपुट डिवाइसेस में आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स और स्पीकर, वीडियोग्राफर, अडाप्टर, प्लॉटर्स वगैरह. ठीक है, अच्छा, वीडियोग्राफर अडाप्टर जो है, दिस इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इनटू विजुअल इंफॉर्मेशन कॉल्ड मॉनिटर. इट लुक्स सिमिलर टू अ टेलीविजन सेट. इंफॉर्मेशन फ्रॉम CPU इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. नेक्स्ट इज प्लॉटर्स. प्लॉटर्स, ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म और फिश मीन्स कॉम विच प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन रोल्स ऑफ फिल्म. ठीक है, प्लॉटर्स हो गए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. हाँ, अलग अलग साइज और पावर के हिसाब से कंप्यूटर्स होते हैं. द स्मॉलेस्ट आर एम्बेडेड विद इन द सर्किटरी ऑफ अप्लायंसेस. स्मॉलेस्ट कंप्यूटर जैसे टेलीविजन्स या रिस्ट वॉचेस में. ठीक है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर. देन मिनी कंप्यूटर्स जो हैं, जिनमें लैपटॉप, नोटपैड कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप पीसीज आ गए. ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स में, दीज मिनी कंप्यूटर्स आर टिपिकली यूज्ड इन बिजनेसेस एंड एट होम टू कम्युनिकेट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग टू ट्रैक फाइनेंसिस एंड फॉर एंटरटेनमेंट. दे आर इक्विप्ड विद अ कीबोर्ड, अ माउस, ट्रैक बॉल और अदर डिवाइसेस एंड अ वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज वर्क स्टेशंस. वर्क स्टेशंस आर सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर्स बट हैव ग्रेटर मेमरी एंड मोर extensive mathematical abilities and they are connected to other workstations or personal computers to exchange data. They are typically found in scientific, industrial and business environments, especially financial ones such as stock exchanges that require complex and fast computations. Next comes mainframe computers. ठीक है, ये आप देख रहे हो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स.
Mainframe computers have more memory speed and capabilities than workstations and are usually shared by multiple users through a series of interconnected computers. The most powerful mainframe computers, called supercomputers, control businesses, industrial works, scientific research, and process complex and time-consuming calculations such as those used to create weather predictions. ठीक है, mainframe की बात कर रहे थे, सुपर कंप्यूटर्स के. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम. ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर. अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. द टू प्राइमरी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. दिस रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट फैसिलिटेट द ऑप्शनल यूज ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम बाय कोऑर्डिनेटिंग दैम. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट अप द कंप्यूटर एंड परफॉर्म सम यूटिलिटी फंक्शन सच एज चेकिंग एंड गेटिंग द कंप्यूटर रेडी फॉर यूटिलिटी फंक्शन. अच्छा, रेडी फॉर यूज. ठीक है, दैन they are usually written to accomplish loading, execution, storage and retrieval of files from and into the computer. they are basically operating system. system software mein they are basically operating system, utility software and language translators. pehle dekhte hain operating system ka. theek hai. An operating system is a program that acts as an intermediary between the application programs and the computer hardware. You cannot directly use computer applications or programs with the computer's hardware without a translation system between the hardware and the applications. The translation system called the operating system OS. ठीक है, the Windows or the Mac operating system works behind the scenes to run your computer. That is the software and the hardware. It tells the computer what to do when it starts up and keeps track of your documents, files and other software. It also provides the standard user interface component like minus and the desktop, like the menus and the desktop that you see when you look at your computer screen. Both the Windows and the Mac OS operating system use a graphical interface, means pictures or icons instead of text, that allow you to immerse yourself in multitasking, means accessing multiple applications and files simultaneously. You work with Windows in this interface. These windows are a series of boxes which can be opened and closed as needed. Then we shall be using Microsoft Windows operating system as it is the most common on the personal computers. There are various types of Microsoft Windows. A type of Microsoft Windows is referred to as a version. Examples of versions are Microsoft Windows 3.3, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Workstations, Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, then Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional and Microsoft Windows Server 2003. ठीक है, now functions of operating system. हाँ, functions of operating system. पहले देखते हैं resource sharing. ठीक है, it manages resources by ensuring proper and effective use. Then provision of virtual machine. Hiding the hardware details from the user. ठीक है, हाँ. Then memory management, it manages the effective use of internal memory, RAM, while running multi programs. Then it is the pro
प्रोटेक्टर एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। देन इट फैसिलिटेट्स बूटिंग। देन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मल्टीटास्किंग। इट डिटरमिंस विच एप्लीकेशन शुड रन इन व्हाट ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम शुड बी अलाउड फॉर ईच एप्लीकेशन बिफोर गिविंग अनदर एप्लीकेशन एक्सेस टू रन। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड यूजफुल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग कॉमन कंप्यूटिंग टास्क ऑफ अ रूटीन नेचर टू मैनी कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम जनरेटर, टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस, डंपिंग रूटीन, होस्ट कीपिंग ऑपरेशन एटसेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पढ़। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, द लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज मशीन लैंग्वेज, मीन्स जीरोज एंड वन, विच इज़ वेरी टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड टू रीड राइट आर डिबग। एनी प्रोग्राम रिटन इन अनदर लैंग्वेज दैन दिस नीड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कैरीज आउट द ट्रांसलेशन टू दिस मशीन लैंग्वेज। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स आर असम्बलर, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। हाँ, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल फ्रॉम अ सर्टन टाइप ऑफ टास्क। एन एप्लीकेशन दस डिफर्स फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन्स अ कंप्यूटर। देन अ यूटिलिटी विच परफॉर्म्स मेंटेनेंस आर जनरल पर्पज टास्क एंड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विद विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गई इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल, देन ग्राफिक्स एंड डेटाबेस प्रोग्राम। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही, नेक्स्ट वाले में कंप्यूटर नंबर सिस्टम वगैरह का पढ़ेंगे।